हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्ड ऑफ स्टोरीज में। एक बार फिर से आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई स्टोरी। आज की स्टोरी होने वाली है अंधविश्वास, काला जादू के ऊपर स्टोरी होने वाली है आज की। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना यार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये कहानी है वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल में जैसे कि आपको पता ही होगा, काफी ज्यादा काला जादू का प्रचलन है। काफी लोग ये सब चीजों में बिलीव करते हैं और अंधविश्वास की वजह से ही जो मैं कहानी आपको बताना चाह रहा हूँ, उस कहानी का एक परिवार पूरा बर्बाद हो जाता है सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास के कारण। अंधविश्वास अगर ना रहता उनके अंदर तो ऐसी प्रॉब्लम उन्हें नहीं होती। तो चलिए बताता हूँ आपको क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या नहीं। तो एक आदमी था जो वेस्ट बंगाल में रहता था, जिसका नाम है ब्रजलाल चोपड़ा। ये ब्रजलाल चोपड़ा की वाइफ थी और उनका एक बेटा था 10 साल का। ये वहीं पर जॉब करा करते थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जबकि वो, तब भी ऐसा हुआ उनके साथ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे वो और अपनी जॉब अच्छी खासी उनकी चल रही थी, उनका बच्चा भी पढ़ाई कर रहा था और लाइफ ठीक ठाक चल रही थी उनकी। उनके घर के पास ही एक कबीला भी था जहाँ पर ये आदिवासी टाइप लोग रहते थे और ठीक ठाक उनका सब कुछ चल रहा था। तो होता क्या है, अचानक से ना एक दिन उनके बेटे की तबीयत खराब होती है। तबीयत खराब होने के बाद पहले तो वो एक ऐसी लोकल डॉक्टर को लेके जाते हैं, मतलब जो आसपास का डॉक्टर होता है ना उसके पास उसे लेके जाते हैं। तो कुछ टाइम के लिए तो वो दिक्कत ठीक कर देता है, बट उसको दिक्कत फिर से आने लगती है तबीयत खराब वाली। ऐसे ही वो एक दो जगह और उसको दिखाते हैं तो खास उसको ना इलाज हो नहीं पाता उसका, मतलब खास उसको रिजल्ट नहीं मिलता है, उसकी तबीयत खराब ही रहती है। अब तबीयत खराब रहने की वजह से वो बहुत वीक हो चुका था, ना तो वो ठीक से कुछ खा पाता था, ना ठीक से पढ़ लिख पाता था, ना ही वो खेल कूद पाता था, बस अपने अंदर ही खोया रहता था, कुछ नहीं कर पा रहा था। वो बेचारा बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुका था, सैड सैड बैठा रहता था, बस अपने कमरे के अंदर ही बैठे रहना, ना बाहर जाना, ना कहीं कुछ, मतलब कोई भी उसका जो उसका सोशल कनेक्शन था वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। अब उसके पापा यानी कि ब्रजलाल चोपड़ा बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे यार कि इसको हो क्या गया है, समझ ही नहीं आ रहा है। और ऊपर से शाम को जब वो ऑफिस से वापस आते थे तो उनकी बीवी और करती थी कि भाई हमारे बेटे को क्या हो गया, देखो समझ में नहीं आ रहा है, क्या होगा इसका, मतलब बहुत ज्यादा वो परेशान हो गए। तो होता क्या है, यही बात ब्रजलाल चोपड़ा जो है ना अपने पड़ोसी को बताते हैं कि यार ऐसे ऐसे बड़ी दिक्कत हो रही है मेरे बेटे को, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है यार, एक ही बेटा है हमारा और इतनी दिक्कत हमें फेस करनी पड़ रही है। तो वो जो पड़ोसी होते हैं ना वो उनसे कहते हैं कि आप एक काम करिए, पास में यहाँ पे एक कबीला है, वहाँ कबीले में चले जाइए, लगता है आपके बेटे के ऊपर कोई साया वगैरह है, तो आप वहाँ चले जाइए और वो आपके बेटे को ठीक कर देंगे। तो अब देखो यार, वो तो एक बाप था तो उसको तो यही लग रहा था कि यार मेरा बेटा जहाँ से भी जैसे भी ठीक होता है यार, ठीक करवाना ही है उसे तो ना। तो वो एक बाप की तरह से सोच रहा था और वो जो है अपने बेटे को नेक्स्ट डे लेके, बीवी और बेटे को लेके कबीले में चला जाता है। कबीले में जाता है, पहले वो पूछता है कबीले में पहुंच के कि यहाँ पे पार्वती कौन है। अब आपको बताया तो पार्वती कौन है, पार्वती जो है उस कबीले की लीडर थी एक तरीके से, सारे जादू टोने वगैरह सब चीजें वही किया करती थी और वो बाकी जो लोग थे वहां वो उनके फॉलोअर्स थे। वहाँ के लोगों से वो पार्वती के बारे में पूछते हैं। अब जैसे ही वो लोग पार्वती के पास पहुंचते हैं, पार्वती क्या कहती है, पार्वती कहती है तुम तो जादूगर हो, मतलब जाते ही ऐसे बोलती है तुम तो जादूगर हो। अब वो जादूगर तो कोई था नहीं भाई, वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अपने आदमी से बोलती है कि इसे चारों तरफ से घेर लो, ये जादूगर है, इसका मरना इस दुनिया के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है। भाई ऐसे बोल के वो उन तीनों को घेर लेते हैं। अब उसके बाद पार्वती बोलती है कि इसको हमें मारना ही पड़ेगा, सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे जो है तुम इसके हाथ काट दो, इतना बोल देती है। और भाई जो उसके चारों तरफ लोग थे ना उनके पास धारदार त्रिशूल थे और धारदार तलवार थी, उसके चारों तरफ घूम रहे थे, कुछ भी वो कह पाता सुन पाता उससे पहले ही उसके हाथ एकदम से ही काट दिए गए। और वो चीखता चिल्लाता रहा, यार समझ ही सकते हो कितना दर्द होगा, अगर हमारी उंगली पे हल्का सा कट भी लग जाता है तो कितना दर्द होता है। और उन लोगों ने तो उसके पूरे हाथ ही काट दिए थे। अब हाथ काटने के बाद वह इतनी हालत उसकी खराब हुई, वो रोना धोना शुरू उसका, उसके बीवी बच्चे भी परेशान। तो वो ये कह रहे कि इसको अब मारना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं है, ये जादूगर है। वो मना करता रहा कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मुझे कोई जादू वादू नहीं आता है,
मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो, लेकिन पार्वती मानती ही नहीं है। पार्वती कहती है कि तू एक जादूगर है, तू हमारी दुनिया के लिए खतरा है, तू हम लोगों को मार देगा अपनी विद्या से, तेरी सारी शक्तियां निकालनी होंगी अपने लोगों से। वो यही बताती है कि इसके हाथ काट देंगे तो उसकी सारी शक्तियां जो है इसके अंदर से निकल जाएंगी और ये लाचार हो जाएगा, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हाथ काटने के बाद भाई वो लाचार तो हो ही गया था, लेकिन उसके बाद भी पार्वती को शर्म नहीं आई। उनने क्या किया, उसको तेल छिड़कवा के जिंदा जला दिया ब्रजलाल चोपड़ा। ब्रजलाल चोपड़ा को जलता हुआ देख के उसका बेटा और उसकी बीवी इतना ज्यादा खौफ में चले गए कि मतलब समझ सकते हो यार, उनके सामने उसका बाप जल रहा है, उसका पति जल रहा है, क्या हालात हो रहे होंगे उनके। बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो गई थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी यार, कुछ ही समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें क्या ना करें। उन लोगों को भी उन्होंने पकड़ रखा था, और पकड़ने के बाद पार्वती ये बोल रही थी कि अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहती हो और अपने बेटे को जिंदा चाहती हो तो ये जो आज हुआ है इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है तुम्हें। और फिर वो लोग उन्हें जाने की अनुमति दे देते हैं। अब जब वो चले जाते हैं तो भाई उसकी माँ जो है, उस बच्चे की माँ यानी कि ब्रजलाल चोपड़ा की बीवी, इतने पुलिस के चक्कर काटती है, इतने पुलिस के चक्कर काटती है पुलिस, लेकिन उस टाइम तक कोई भी साथ नहीं देती है। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक पुलिस का बड़ा अफसर जो है ना, रास्ते में जाता हुआ ब्रजलाल की वाइफ को मिल जाता है। वो उसकी गाड़ी के आगे रोक के उसे उससे पूरी कहानी उसे बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ। फिर वो एक्शन लेता है और वो पुलिस स्टेशन में इत्तला करता है कि उन लोगों को पकड़ के लेके आओ जल्द से जल्द। तो पुलिस वाले फटाफट से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कबीले में जाते हैं, पार्वती और उसके जो लोग होते हैं उन सबको पकड़ के लेके आया जाता है। फिर पूछा जाता है ब्रजलाल चोपड़े की वाइफ से कि क्या सजा चाहते हैं आप इनके लिए, तो उन्होंने तो यही बोला कि जो एक मर्डरर की सजा होती है, उन्हीं की सजा होती है, वही सजा उन्हें होनी चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग न्याय विभाग ने जो भी डिसीजन लिया था वो ये था कि इन लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद कुछ दिनों बाद उन लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है और मार दिया जाता है। लेकिन ब्रजलाल चोपड़ा की वाइफ अभी तक उनका लॉस रिकवर नहीं कर पाई है, अभी भी वो बेचारे दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि उनकी वाइफ तो नहीं कमाती थी, कमाते ब्रजलाल चोपड़ा ही थे। लेकिन बात सारी सिर्फ कमाई की भी नहीं है, बात है एक बेटे के एक बाप से जुदा होने की और एक पत्नी का एक पति से जुदा होने की, जो कि वो लॉस कभी भी नहीं भरा जा सकता। पैसा तो आ सकता है लेकिन वो जो लॉस उन्हें हुआ है वो कभी भी नहीं रिकवर हो सकता। लेकिन इस एक बात से उन्हें ये सीख मिलती है और हमें भी ये सीख मिलती है कि अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए यार। अगर कोई भी तुम्हें बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो तुम डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर ही तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस स्टोरी को यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना यार। अगर दूसरा वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके वीडियो चेक करो, वीडियो चेक करके अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब कर देना उस वाले चैनल को भी और इसको भी, और वीडियो को शेयर कर देना यार अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे, मस्त रहे और अपने भाई की वीडियो देखते रहे। बाय बाय।